कोरोना के डंच को झेलकर जहां देश अर्थव्यवस्था को शुद्ध करने में लगा ही था, इसमें थोड़ी और राहत चुनाव ने भी दी। क्योंकि चुनाव है तो सब चीजें सस्ती तो होंगी ही, लेकिन चुनावों के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार द्वारा महंगाई का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया हो। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ऐसा लगता है जैसे महंगाई भी उसी क्रम में आसमान छू रही है। लोगों को आशा थी कि कोरोना लगभग 2 वर्षों के बाद कम हुआ है तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी, लेकिन कम होने के बजाय महंगाई दुगुनी गति से बढ़ती जा रही है। घर की रसोई चलाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। गैस का मूल्य आग की तरह बढ़ता जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर बाकी सारी चीजें निर्भर रहती हैं, पेट्रोल और डीजल में तो मानो दौड़ लगी है कि कौन पहले सबसे ऊंचा आंकड़ा छुएगा। मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग, इस वक्त सबका बजट चौपट हो रहा है। इसके कारण आम आदमी परेशान है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी वस्तुओं के दाम भी धीरे धीरे पहुंच से बाहर हो रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 1 अप्रैल से LPG सिलेंडर की कीमत एक झटके में 250 रुपए बढ़ा दी गई। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय सब्जियों की कीमत ने किचन का बजट बिगाड़ रखा है। श्रीलंका एक भीषण आर्थिक संकट से लड़ रहा है। ऐसे में ये चिंता जताई जा रही है कि भारत के कुछ प्रदेश भी श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट से जूझने की कगार पर आ सकते हैं। सोने की लंका कैसे हुई कंगाल? श्रीलंका में कंगाली से कोहराम मचा है। आर्थिक संकट से परेशान देश के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज है, कर चुकाने के लिए पैसे नहीं है। लोग महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। एक तरफ तो जरूरी चीजों की भारी किल्लत है और जहां थोड़ा बहुत सामान मिल भी रहा है वहां कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला और तेज हो गया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि सोने की लंका क्यों सुलग रही है? कैसे श्रीलंका कंगाली की एक कगार पर आ पहुंची? अस्पतालों में बिजली ठप है। बिजली की कमी से हालत ये है कि मरीजों की जरूरी सर्जरी भी नहीं हो पा रही है। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। तेल की कमी से रेल बस निर्बल ठप हो चुका है, जिससे देश भर की सप्लाई चेन टूट गई है। ईंधन की कमी से घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं और खाने पीने की चीजों की किल्लत ऐसी हो गई है कि दुकानों में लूटपाट मच रही है। चावल 250 रुपए किलो, गेहूं 200 रुपए किलो, चीनी 250 रुपए किलो, नारियल तेल 900 लीटर और मिल्क पाउडर 2000 रुपए किलो बिक रहा है। देश के इस हालत के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की ये हालत हुई है। क्या भारत भी श्रीलंका की तरह कंगाली की राह पर है? चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों में सब कुछ फ्री देने की होड़ मची रहती है और इस कारण देश के कई राज्य बदहाली के कगार पर पहुंच गए हैं। देश के कई शीर्ष नौकरशाहों ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगी तो ये राज्य श्रीलंका और यूनान की तरह कंगाल हो जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चिंता से अवगत भी कराया है। प्रधानमंत्री के साथ शनिवार को करीब 4 घंटे तक चली बैठक में कुछ सचिवों ने इस बारे में खुलकर बात की। उनका कहना था कि लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता है। अगर इन पर रोक नहीं लगी तो इससे राज्य आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएंगे। उनका कहना है कि लोक लुभावन घोषणाओं और राज्यों की राजकोषिक स्थिति के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन राज्यों का श्रीलंका या यूनान जैसा ही हाल हो सकता है। कौन कौन से राज्य इनमें हैं शामिल? सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई सचिव केंद्र में आने से पहले राज्यों में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अगर वे भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारों ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की हैं उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसका समाधान निकालने की जरूरत है। कई राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें लोगों को मुफ्त बिजली दे रही हैं। इससे सरकारी खजानों पर बोझ पड़ रहा है। इससे हेल्थ और एजुकेशन जैसे अहम सामाजिक सेक्टरों के लिए फंड की कमी पड़ रही है। BJP ने भी हाल ही में विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और गोवा में मुफ्त LPG कनेक्शन देने के साथ ही दूसरी कई लोक लुभावन घोषणाएं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।